किसी को, उन सबके खाते में सीधा पैसा। नमस्कार दोस्तों, ई श्रम को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास आया है ई श्रम से ऐसा मैसेज, ये आप देख रहे हैं ई श्रम कार्ड पर, अपना वर्तमान पता अपडेट करें CSC या ई श्रम GOV.in पर जाकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा मैसेज आया है तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, क्या आपको इससे पैसा मिलेगा नहीं, क्या इसमें गलत हुआ है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यदि आपने अभी तक अपना ई श्रम कार्ड बनवाया है तो खबर आपके लिए काम की है, क्योंकि हम आपको इससे जुड़ी तमाम जानकारी देंगे। हम आपको इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से इसे निकालकर अपने ई श्रम कार्ड को अपडेट कर सकते हैं स्वयं ही। किसी भी CSC पर जाकर जाने की जरूरत नहीं। ई श्रम कार्ड में वर्तमान पता को अपडेट करने का मैसेज आपके पास अगर आया होगा तो आपको ई श्रम कार्ड में अपना वर्तमान पता अपडेट करने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही तरीकों की पूरी जानकारी प्रदान करेंगे, ताकि आप अपनी सुविधा अनुसार अपने ई श्रम कार्ड में अपने वर्तमान पते को अपडेट कर सके। हमारे सभी ई श्रम कार्ड धारकों के श्रमिक सीधे इस लिंक पर जाकर कर सकते हैं http://registration.ishram.gov.in पर जाकर इस लिंक को यूज करके आप अपना नाम, पता, एड्रेस सब कुछ अपडेट कर सकते हैं कि क्या आपके ई श्रम कार्ड में क्या गलत है क्या सही, सब कुछ आप खुद ब खुद ऐड कर सकते हैं। हम इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ई श्रम कार्ड धारक अपने सभी श्रमिकों का स्वागत करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि आपको ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर वर्तमान पते को अपडेट करने के लिए भेजा जा रहा है। ई श्रम कार्ड में अपना वर्तमान पता अपडेट करने के लिए भी वर्तमान पते को अपडेट कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं किन्हें करना होगा अपने वर्तमान पते को अपडेट। ई श्रम कार्ड धारक सुविधा दुविधा में है कि किन्हें अपने ई श्रम कार्ड में अपना वर्तमान पता अपडेट करने की जरूरत है। आपको बता दें कि यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में काम करते हैं तो आपको अपना वर्तमान पता अपडेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और दिल्ली, मुंबई, गुजरात या किसी अन्य राज्य में काम करते हैं तो आपको अपने वर्तमान पते को अपडेट करना होगा। ई श्रम कार्ड में वर्तमान पता कैसे अपडेट करने, ऑनलाइन तरीका क्या है? ई श्रम कार्ड में वर्तमान पते को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप ई श्रम कार्ड धारक श्रमिकों के ई श्रम पोर्टल की ऑफलाइन वेबसाइट को होम पेज पर आना होगा, जो कि हम आपको वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को दे देंगे, जो कि इस प्रकार होगा। होम पेज पर आने के बाद आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड के टैब पर में ही अपडेट प्रोफाइल का विकल्प आपको मिल जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जो कि इस प्रकार होगा। अब इस पेज पर आपको अपना 12 अंकों वाला आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे आपको दर्ज करना होगा। फिर इसके बाद आपको दो विकल्प मिलेंगे, अपडेट प्रोफाइल एंड डाउनलोड UAN कार्ड, जिसमें आपको अपडेट प्रोफाइल के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां पर आपको अपडेट एड्रेस डिटेल्स का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां पर आपको अपने वर्तमान पते अर्थात प्रेजेंट करंट एड्रेस को अपडेट करना होगा। और अंत इस प्रकार हमारे सभी ई श्रम कार्ड धारक आसानी से अपने ई श्रम कार्ड वर्तमान पते को अपडेट कर सकते हैं, इसका लाभ प्राप्त भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बस यही जानकारी देनी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपके पास भी ये मैसेज आया है या नहीं। हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे अगर आपको नहीं मिला, और हम इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।